हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए एंड बी की। शो डैट लिमिट दी गई है हमें एक्स टेंड टू जीरो, एक्स इंटू वन प्लस ए इंटू कोश एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइड में एक्स की पावर कितनी है 3, में बी इक्वल टू 1। ये लिमिट किसके इक्वल है? 1 के। तो देखिए, यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स वन प्लस ए कोस एक्स और माइनस बी साइन एक्स डिवाइड में क्या दिया है हमें? एक्स की पावर यहाँ पर 3। देखिए, यहाँ पर मैं एक्स को जीरो से अप्रोच करवा देता हूँ। अगर मैं एक्स को जीरो से अप्रोच करवाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो हमारे पास ऊपर जीरो बन रहा है और नीचे हमारे पास यहाँ पर एक्स है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई देते हैं। ओके, बाय एल हॉस्पिटल। रूल, ये रूल क्या है? ये रूल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर हमें दी हो लिमिट एक्स टेंड टू ए, फंक्शन है हमारा एफ एक्स बाय जी एक्स, और अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, तो ही हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस लिमिट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स की जगह डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ओके, और जी एक्स की जगह डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ओके, इस प्रकार लिख सकते हैं और फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा ये एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट यहाँ पर हमारी क्या है? एक्स टेंड टू जीरो डी अपॉन डी एक्स, ऊपर क्या है हमारे पास? एक्स इंटू वन प्लस ए कोस एक्स और माइनस यहाँ पर बी साइन एक्स। ओके, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है? देखिए, एफ एक्स का अलग डेरिवेटिव करना है हमें, यहाँ पर जी एक्स का अलग डेरिवेटिव। ओके, तो जी एक्स की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक्स की पावर 3। तो अभी हम इनका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे हम लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो। देखिए, एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। सेकेंड का डेरिवेटिव, एक्स वन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो प्लस में ए हमारा एज इट इज। कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। माइनस आगे लिख देता हूँ मैं। ओके, और फिर हमारा एक्स का डेरिवेटिव करेंगे प्लस में क्या हो जाएगा? वन, और ये एज इट इज वन, वन प्लस ए कोस एक्स हमारा एज इट इज। माइनस में बी एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर डिवाइड में एक्स की पावर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3x². देखिए, यहाँ पर मैं एक्स को जीरो से अप्रोच करवा देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास? देखिए, ये तो जीरो हो जाएगा, इतनी टर्म तो साइन वाली, तो एक्स, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में एक्स की जगह हमें जीरो रखना है, तो वन इंटू वन वन ही रहेगा प्लस में वन, और ए हमारा एज इट इज। यहाँ पर कोस क्या हो रहा है? जीरो। माइनस यहाँ पर भी बी साइन कोस जीरो। ओके, डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 0 जीरो ही हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास अभी नीचे तो हमारे पास जीरो बन रहा है, लेकिन ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास? वन प्लस कोस जीरो की क्या वैल्यू होती है? वन। ओके, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर ए माइनस बी। ओके, यही बच रहा है हमारे पास। और नीचे इसके डिवाइड में, देखिए इसके डिवाइड में हमारे पास जीरो बन रहा है, लेकिन अगर डिवाइड में जीरो हो जाएगा तो अगर ऊपर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, डिवाइड में जीरो है, तो हमारी ये लिमिट वन के तो इक्वल नहीं होगी,
लेकिन ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है, मे बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म बनेगी, 0/0 ही फॉर्म बनेगी अगेन। ओके, 0/ अगर 0 फॉर्म बन बढ़ती है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए और नीचे भी 0। नीचे तो 0 है, ऊपर 0 नहीं, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर वाला भी हमारा 0 के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए 1+a - b किसके इक्वल होगा, ये भी 0 के। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, तो हमारी इस फंक्शन पर हमने लिमिट अप्लाई करी, यहाँ पर भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि ये लिमिट इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, डिवाइड में 0 बन रहा है, तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। अभी इस इक्वेशन पर मैं एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। फिर अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ओके, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 d/dx x क्या है, यहाँ पर x की मल्टीप्लाई a साइन x के साथ कर रहे हैं, तो माइनस a साइन x हो जाएगा ये। ओके, और फिर अगर इस 1 के मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये प्लस में एज इट इज रहेगा, 1+a cos x। ओके, कोस एक्स ये, और फिर यहाँ पर क्या है माइनस में कोश एक्स ये, यहाँ पर भी बी कोश एक्स। ओके, ये ऊपर है हमारे पास, डिवाइड में क्या है हमारे पास यहाँ पर, डिवाइड में हमारे पास d/dx 3 को कॉन्स्टेंट है, तो मैं आगे लिख लेता हूँ, और एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव किसका करना है हमें, एक्स स्क्वेयर का। तो लिमिट यहाँ से देखिए एक्स टेंड टू 0 एक्स साइन, यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल अगेन यूज होगा हमारा डेरिवेटिव का, तो देखिए माइनस एक्स हमारा एज इट इज, ए साइन ए भी ए कोस्टेंट है तो ए भी एज इट इज रहेगा हमारा, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। ओके, पहले मैंने कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव किया है, अभी ये माइनस या माइनस मैं भाग ले लेता हूँ। ओके, तो अभी हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए साइन एक्स। ओके, सिंपल डेरिवेटिव किया है मैंने यहाँ पर, प्लस में 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए हमारा एज इट इज रहेगा, इस कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस, प्लस में इस माइनस बी हमारा एज इट इज रहेगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस का आ जाएगा साइन। ओके, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया है। इसी प्रकार डिवाइड में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ओके, 3 हमारा एज इट इज है, अभी हम यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करा देते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x को 0 से अप्रोच कराऊँ तो यहाँ पर 0 रखूँगा, तो ये a cos x भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँगा तो हमें पता है साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो यहाँ पर x है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन x साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो वैसे 0 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो साइन 0 की वैल्यू फिर से 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो वैसे भी 0 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में देखें तो डिवाइड में भी हमारे पास यहाँ पर x है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 × 0 तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर भी हमारी 0/0 ही फॉर्म बन रही है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर x को 0 से अप्रोच करवाया, सॉरी यहाँ पर 0 है। ओके, तो यहाँ पर x को हमने 0 से अप्रोच करवाया तो भी हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस फंक्शन पर हम अब एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो देखिए अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ओके,
लिमिट एक्स टेंड टू जीरो डी अपॉन डी एक्स, अगर जो टर्म हमारी कॉमन है अगर सेम है वो टर्म हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखिए, अगर मैं ये माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वह आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारी यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो टू टाइम हो रहा है ये, तो हमारा ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो इनको इकट्ठा लिख देता हूँ मैं। ओके, माइनस एक्स ए कोस एक्स यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, माइनस टू ए साइन एक्स। ओके, प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी साइन एक्स। इन इस टर्म को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके, डिवाइड में इसी प्रकार हमारे पास क्या है, थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स। डी अपॉन डेरिवेटिव हमें किसका करना है, ओनली एक्स का। ओके, तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पर देखिए फिर से हमारा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट लग जाएगा। अब की बार मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, देखिए ए को भी यहाँ पर बाहर ही ले लेता हूँ मैं। ओके, ए को मैंने बाहर ले लिया है। एक्स हमारा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया। प्लस में हमारा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन कोस एक्स हमारा एज इट इज। ओके, और माइनस फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये ब्रैकेट वन। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि इसमें से हमने माइनस ए कॉमन लिया है, तो अभी माइनस टू ए हमारा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोस एक्स। प्लस में बी हमारा एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, कोस एक्स। डिवाइड में देखिए, डिवाइड में सिक्स हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वन। यहाँ पर हम एक्स को फिर से जीरो से अप्रोच करवाएंगे, तो देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो रख देंगे, तो माइनस ए, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू साइन जीरो, प्लस में वन कोस जीरो और माइनस टू ए कोस जीरो और प्लस में बी कोस जीरो। डिवाइड में हमारे पास कितना है यहाँ पर, सिक्स। ओके, यही है, तो अभी इसको थोड़ा सोल्व कर लेते। जैसे यहाँ पर हमें पता है साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। ओके, तो ये वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन ही रहेगा, माइनस ए और इंटू वन वन माइनस ए ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वन हो जाएगा, तो ये कितना है, माइनस टू ए। ओके, तो माइनस टू ए और प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी, कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। डिवाइड में कितना है यहाँ पर, सिक्स। तो देखिए अब की बार नीचे हमारा, नीचे भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, जीरो नहीं है हमारे पास, और ऊपर भी हमारे पास जीरो नहीं है, तो हमें लिमिट किस इक्वल दी गई है, मे बी इक्वल टू वन। ओके, तो ये लिमिट हमारी ये मिल रही है इस फंक्शन पर, फाइनली हमें लिमिट मिल गई, लेकिन हमें जो लिमिट दी गई है वो किस इक्वल दी गई है, वन के। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू हमारी वन के। तो यहाँ से देखिए माइनस ए और माइनस टू ए कितना हो गया, माइनस थ्री ए। ओके, प्लस में बी इक्वल ये सिक्स है, सिक्स को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो वन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिक्स के। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट मिली थी हमें वन प्लस ए माइनस बी इक्वल जीरो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, वन प्लस ए माइनस बी इक्वल जीरो। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इनको थोड़ा और सोल्व करूँगा, तो हमें तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस थ्री ए प्लस में बी इक्वल सिक्स, ये तो हमारी इक्वेशन सेकंड है, ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें वन को मैं इस साइड लेकर आऊँगा राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी इक्वल माइनस वन। ओके,
देखिए, अभी इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐड करूँ तो ये यहाँ पर प्लस भी है और यहाँ पर ये माइनस भी है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस थ्री है, यहाँ पर प्लस का ए है, तो कितना बचेगा? माइनस का टू ए इक्वल यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर है ये माइनस वन, यहाँ पर है कितना हमारे पास? सिक्स। तो यहाँ पर कितना बचेगा? फाइव। फाइनली हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिल रही है, ए इक्वल माइनस टू को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो ए की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? माइनस फाइव बाय टू। ये हमें ए की वैल्यू मिल गई है। अभी मैं इसके यूज से बी की वैल्यू निकालूंगा। देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो ए की वैल्यू वन प्लस ए की, यहाँ पर ए है, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस फाइव बाय टू, ओके। और माइनस बी इक्वल जीरो, ओके। कराऊंगा तो ये प्लस का बी हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस फाइव कितना हो गया? माइनस थ्री बाय टू। ये हमारी बी की वैल्यू है। तो फाइनली हमें ए की वैल्यू मिल रही है माइनस फाइव बाय टू, और बी की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर माइनस थ्री बाय टू। यही हमारी ए और बी की वैल्यू है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।